जय हिंद दोस्तों, मैं आर रौनक राज एक बार फिर आप सबको सामने। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कितने प्रकार के प्रेजेंट टेंस होते हैं और प्रत्येक काइंड के, प्रत्येक तरह के जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, आंसर लिखेंगे हम इसका। ए प्रेजेंट टेंस इज ए ग्रामेटिकल, a present tense is a grammatical tense, a present tense is a grammatical tense, grammatical tense whose principal function, whose principal function is to locate, whose principal function is to locate a situation or event or event event in the present time, the present tense is used for actions, the present tense is used for actions which are happening now, which are happening now. So क्या लिखा हुआ बोर्ड में, what is present tense, a present tense is a grammatical tense whose principal function is to locate a situation or event in the present time, a present tense is used for actions which are happening now. अब हम लोग हिंदी में जानेंगे तो क्या है, वर्तमान काल एक काल, एक व्याकरणिक काल है, व्याकरणिक व्याकरणिक काल है, व्याकरणिक काल है जिसका सिद्धांत जिसका सिद्धांत कार्य वर्तमान समय में किसी स्थिति या घटना को स्पष्ट करना है, वर्तमान काल एक व्याकरणिक काल है जिसका सिद्धांत कार्य वर्तमान समय में किसी स्थिति या घटना को स्पष्ट करना है। अब
अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लिखा हुआ है द प्रेजेंट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टेंस। आंसर में लिखा हुआ है द प्रेजेंट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? वर्तमान काल है। वर्तमान काल क्या है? ग्रामेटिकल टेंस। व्याकरणिक व्याकरणिक काल द प्रेजेंट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टेंस हुज प्रिंसिपल फंक्शन whose principal function is to locate a situation or event in the present time. Whose principal function? Principal function क्या हो गया? सिद्धांत कार्य। Principal function क्या हो जाएगा? सिद्धांत कार्य। प्रिंसिपल फंक्शन सिद्धांत कार्य। सिचुएशन क्या हिंदी क्या हो जाएगा? स्थिति और इवेंट का घटना। इन सब शब्दों का हिंदी मीनिंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि इसके पहले मैंने जो हिंदी में बताया और ये जो भी इंग्लिश में बताया इसको आपको रिलेट कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत ईजी है। कहता है, फिर से बताना चाह रहा हूं, कहता है The present tense is a grammatical tense whose principal function is to locate a situation or event. In the present tense. वर्तमान काल क्या है? एक व्याकरणिक काल है जिसका सिद्धांत कार्य क्या होता है? स्थिति या घटना को लोकेट करना। प्रेजेंट टाइम स्थिति या घटना को लोकेट करना कब? प्रेजेंट टाइम में इसको लोकेट करना। दिस इज ओनली आवर वेरी 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 सिंपल आंसर। सब लोगों को कह दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा कि आपको आंसर कैसा लगा। और अंत में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी आप बोर्ड में देख सकते हैं, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस कैसे बनता है, इन सभी में इन सबका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, है ना। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि चारों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका बहुत इजी है। इसके आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस v5, सब्जेक्ट प्लस v1 और v5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ व्हिच टेंस? इट इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी को हम लोग कह सकते हैं बिफोर, मेन बिफोर। आई एन जी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ब, मेन वर्ब यानी कि बिफोर। ठीक है, तो दो नंबर का पहला नंबर है क्या बताए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वन या मेन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। दो नंबर क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका क्या बताए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी या फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग तीन नंबर में आ जाएंगे, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीन नंबर में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीन नंबर में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। वी थ्री में ज्यादातर जो नहीं जानते हैं, वी थ्री आपको ध्यान में देना होगा, ज्यादातर इसमें ईडी ईडी लगता है वर्ड्स में, है ना, ईडी लगते हैं, जैसे प्लेट कूड, है ना, इस टाइप का वर्ड्स में आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ फॉर फोर नंबर, तीन नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज योर फोर नंबर। चार नंबर क्या है, पीपीसीटी, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एसपीटी पीसीटी पीपीटी या पीपीसीटी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब फोर, मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस करेंगे फॉर या सिंस प्लस टाइम, क्या हो जाएगा, प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद हम लोग टाइम जोड़ेंगे। तो PPCT यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप लोगों को एक एग्जांपल दे देते हैं। इसके एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, एग्जांपल ऑफ दिस, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, एग्जांपल ऑफ PPCT। जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सभी को इसे उतार लें, सभी को इसे उतार लें, लेट ना करें। फोर नंबर पॉइंट PPCT हो गया है। आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। चार चीज हम लोग जाने हैं आपको, पहला क्या है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम लोग इंग्लिश में जाने, पहला नंबर। दूसरा नंबर, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में जाने, वर्तमान काल क्या है। तीसरा नंबर, चार प्रकार का प्रेजेंट टेंस होता है, क्या क्या, SPT सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, 3 नंबर PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 नंबर PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इन चारों का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखने देंगे। आगे जितना भी कमेंट है आप लोग प्लीज कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो प्लीज आके कमेंट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।